अमेजोन पे सेल करने वालों जिसको भी गाइड करो, थोड़ा सोच समझ के करो, क्योंकि कोई बंदा परेशान ना हो जाए इससे, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क है। यदि अपने ब्रांड से सेल करे तो अच्छी बात है, मैपिंग करके करे तो कोई मतलब ही नहीं है इस अमेजोन पे, क्योंकि कौन कहाँ पे कंप्लेन मारेगा पता ही नहीं चलेगा। मुझे इसमें हो गए 7 साल अब हो गए, लेकिन अभी तक मैं यही अटका हूँ। क्यों? मैंने अच्छा गाइड नहीं मिला, अच्छी तरीके से मुझे कोई समझा नहीं पाया। मैं एक्यूप्रेशर जैसे कि हेल्थ एंड पर्सनल केयर कैटेगरी में हूँ, मेरे पास अभी तक लिस्टिंगें हैं वो है 2274, लेकिन ऑर्डर दिल्ली के आते हैं 100, 150, 100, 150। ये राजस्थान जोधपुर अब में, ठीक है। इसमें जैसे कि आपको भी जैसे कि सेल कोई भी कैटेगरी में करना है तो आपको ये पता करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट अभी अच्छा सेल हो रहा है, ट्रेडिंग में कौन सा है तो अच्छा सेल हो जाएगी। और इसमें जैसे कि मैंने तो मेरे हिसाब से रेट वगैरह रखी है इसमें, जैसे कि 100, 150 से 150 और 200 के बीच में इसका अमेजोन का खर्च आता है। जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, जैसे कि ये उठा लिया हमने, मेरे मोटली ब्रांड से है ये उठाया, जैसे कि अच्छे से समझा देता हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, आगे अच्छी तरीके से मतलब एक जेन्युइन भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट है 239 में जाता है, ठीक है सर। तो इसका जैसे कि 239 में जाता है, ये मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो है 45 रुपीज़। 45 रुपीज़ तो हो गए अपने प्रोडक्ट के, ठीक है सर। अभी आप मान के चलो 150 रुपीज़ अमेजोन खर्च, तो अपने टोटल हो गए हैं 195, राइट। अभी अपनी सेल हो रही है वो आ रही है 239, ठीक है सर। उसमें से माइनस कर दो आप 195 माइनस कर दिया, अभी इसमें जो बचेगा वो अपना है 164 बच रहा है, ठीक है सर। मतलब बचा सेविंग, जिसमें से आप जो आपकी रेंट है, किराया भाड़ा है, वो सब निकाल के जैसे कि आप मान के चलो मिनिमम 64 रुपीज ऊपर वाले हटा दो, क्योंकि ये खर्च में गिन लेते हैं पर का, ठीक है। फिर भी 100 सेविंग है, ठीक है। दिल्ली के ये जैसे कि 100 ऑर्डर होते हैं, 100 ऑर्डर होते हैं तो 10,000 दिल्ली के मतलब सेविंग है। तो अभी आपको ये करना है, पहले तो अपनी कैटेगरी अच्छी देखनी है, कौन सी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में कैसा है, कोई अनुभवी सेलर हो उससे कांटेक्ट करो और उसको बताओ कि भाई आपका कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है, उसको भी बताओ कि भाई मुझे भी करना है और कैसे क्या करूँ, कैसे होगा मेरा। फिर उसके बाद में जैसे कि मैं दिल्ली का भी स्टार्ट किया है तो दिल्ली के वीडियो में सेंड करता रहूँगा, ठीक है सर। अभी एक का मैंने ये आपको बता दिया, मैं ये इंडिया का है, इंडिया सेलिंग का बोल रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया का अभी तक मुझे नॉलेज नहीं है और मुझे 7 साल हो गए इंडिया में करते हुए। तो इसमें क्या है, सेलिंग हाई प्राइस रखो, रिटर्न भी आते हैं, कोई नॉन रिटर्नेबल होता है, मतलब अच्छी सेल है, अच्छी बचत है इसमें, अच्छी तरीके से करे बंदा तो इसमें स्कोप है, अच्छा कर सकता अपना। जैसे कि मैंने 365 डे में 10,000 प्लस ऑर्डर निकले हैं, अच्छा सेलिंग है। अमेजोन प्लेटफॉर्म अच्छा है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो वगैरह इसमें अच्छा ऐसा रेस्पॉन्स है नहीं, थोड़ा ध्यान रखे। अमेजोन पे अच्छी है,
अच्छी सर्विस भी अच्छी है, तो आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आगे मैं आपको इस बारे में ई कॉमर्स में जो अमेजोन प्लेटफॉर्म है उसके बारे में मैं गाइड करता रहूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको नॉलेज दिया है कि बचत है कि नहीं है, रियल में इसमें है, सेलिंग करते हो कुछ बचत होती है कि नहीं होती है, ऐसे ही कर रहे हो कि अमेजोन क्या है क्या नहीं है। अभी कुछ बंदे जो है इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, जो न्यू स्टार्ट करना चाहता है अपना बिजनेस उसके बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि अमेजोन पे कुछ नहीं है ऐसा, अच्छा सिस्टम है, हर चीज़ अपने ब्रांड से करो तो अच्छा स्कोप है और आगे लॉन्ग टाइम के लिए है। ठीक है सर, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।